हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में हायाघाट थाना के द्वारा विभिन्न जगहों पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि सभी पुलिसकर्मी इसमें लगे हुए हैं। सुरक्षा जांच खासकर शाम के समय जो खासकर यहां डिक्की है या लोगों के कमर को जांच किया जा रहा है। ये रास्ता आपको बता दें कि सीधा समस्तीपुर भी लोग इसी रास्ते से जाते हैं अधिकतर लोग, और ये हायाघाट थाना हायाघाट प्रखंड विभिन्न जगहों पर ये रास्ता जाता है, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा जांच जो है किया जा रहा है। आज रात में ड्यूटी करते हैं, चेकिंग करते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह सब कुछ मतलब चेक करते हैं। क्या क्या? डिकी चेक करते हैं, कमर चेक करते हैं। क्या किस बात को लेकर? शराब दारू लेकर के। किसी तरह का अवैध मतलब हथियार? कोई अवैध हथियार नहीं हो, ये सब को लेकर। कौन सा जगह है ये? अच्छा, तो ये चेकिंग कर रहे हैं आप लोग? चेकिंग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार राम। आप कौन हुए? हम पीटीसी राजकुमार। हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझूलिया में सफाई कर्मियों ने पैसा की मांग किया है। सफाई कर्मी किसी ने कहा 3 महीने से, किसी ने कहा 8 महीने से सैलरी नहीं मिला है, सैलरी बिना काम कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों ने कहा है। आपको बता दें कि इन स्वच्छता कर्मियों का ये मांग है कि जिस तरह से हम सुबह से शाम तक मैला उठाते हैं, गंदा उठाते हैं, गांव के पड़े सरे गले कचरा उठाते हैं, और हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा है। सैलरी मिलेगा तो रोजी रोटी। लोगों का समस्या क्या है? हम कार की समस्या है, जो 8 महीना से काम कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। 8 महीना हो गया? 8 महीना सैलरी नहीं मिल रहा है। क्या काम करते हैं? या देखते हैं, कचरा उठाते हैं, सब चीज़ झाड़ू बहाड़ू देते हैं, तो क्या करते हैं, गंदा उठाते हैं सब कुछ, अब गाड़ी में। अच्छा, गंदा भी उठाते हैं? गंदे उठना ही नहीं, सैलरी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, 8 महीना से नहीं मिले, नहीं मिल रहा, सैलरी नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम कार की तनख्वाह बढ़ा दे, चाहे क्या करेगा नहीं करेगा। तनख्वाह बढ़ा दे? तनख्वाह नहीं है, जो ही कमाया है उसे दे। वो नहीं दिया अभी तक नहीं। अच्छा, घर परिवार कैसे चल रहा है? वही इधर उधर आप उनसे कर्जा मर्जा लेकर के अपना चला रहे हैं। कर्जा करके? कर्जा करके, आप मिलेगा आप मिलेगा, नहीं मिल रहा उसको दे देंगे जिसे ले रहे हैं। अभी कितना लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम अपना हम 6 आदमी हमारा, सबका यही हाल है? सबका यही हाल है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है आपका? हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय अकराहा उत्तरी में आज बच्चों के बीच कबड्डी प्रतियोगिता किया गया है। आपको बता दें कि इस स्कूल से बच्चे हमेशा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नाम करते आ रहे हैं, और खासकर उनकी तैयारी अभी चल रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल प्रतियोगिता की तैयारी में स्कूल जुट गया है और सभी छात्र छात्राओं को आगे बढ़ा रहा है। इस बीच यहां देख सकते हैं, खासकर सरकारी स्कूल में आपको बता दें कि यहां कबड्डी का प्रतियोगिता किया जा रहा है, और जो शिक्षक हैं उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको इंटरव्यू में सुनाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ देख सकते हैं छात्राएँ खासकर कबड्डी प्रतियोगिता जो होने जा रहा है उसको लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये सभी बच्चे आगे बढ़ते हैं, हमेशा मेडल जीत कर आते हैं इस स्कूल के बच्चे। सर, यहाँ पर खेल प्रतियोगिता करवा रहे हैं, बच्चों के बीच में बढ़वा रहे हैं, और बच्चों की जागरूकता है उसको हम लोग प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे बहुत अच्छे कर रहे हैं। हर दिन कर रहे हैं, हर शनिवार? क्या क्या सर, हर दिन का लगभग घंटे हम लोग रहता है, या बच्चों के खेलने के प्रति जो खेल घंटी होती है उसमें हम लोग डालते रहते हैं, करते रहते हैं, और बच्चे हमारे अकड़ा के हमारे जिला में नाम रोशन करके आते हैं। तो ये मतलब खासकर छात्राओं के बीच हो रहा है या सिर्फ सभी बच्चे कर रहे हैं? नहीं सर, सारे बच्चे खड़ते हैं यहाँ पर। हाँ। बारी बारी से हम लोग कराते हैं, पर 6, 7, 8 के ज़्यादा बच्चे पर हम लोग केंद्रित करते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल से बाहर भी जाना पड़ता है, और हमारे बड़े बच्चे होते हैं उनको हम ले भी जा सकते हैं, इसलिए 6, 7 ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद फिर क्लास 3 से लेकर 5 तक अलग टीम बना हुआ है यहाँ पर, और उसे खेलने की व्यवस्था भी हमारे पास बहुत सारी सामग्री है, उसका हम सदुपयोग करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम देश को एक अच्छे बच्चे तो अच्छे नागरिक दें। इन बच्चों के अंदर कैसा हुनर लग रहा है? सर, यहाँ तो हुनर ऐसा है कि यहाँ का जो इतिहास आप पलटा कर देखेंगे, जिला का जो कार्यक्रम होता है, जिला के इतिहास में दरभंगा का नाम हमेशा, अकड़ाहा मध्य विद्यालय का नाम हमेशा अव्वल आया है, और यहाँ से लेकर पटना पे हमारे बच्चे जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अरविंद कुमार नाम हुआ, मैं यहाँ पर शिक्षक हूँ। हमारे वीरेंद्र सर हमारे बहुत ही सहयोगी रहते हैं, धर्मेंद्र सर हैं, ये लोग हमारे घाट से। जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय घुसरम्मा में आपको बता दें कि यहाँ दीवाल की लंबाई के लिए मांग किया है खासकर, और दीवाल की मांग किया है। आपको बता दें कि 4 दीवारी स्कूल में नहीं है, उसके लिए जो स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने मांग किया है। खासकर छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, 400 करीब बच्चे हैं यहाँ पर,
और उस बच्चों के चिंता को लेकर, क्योंकि बच्चे यहाँ से वहाँ चले जाते हैं और चारों तरफ जंगल है, खासकर यहाँ पर जानवर के आने भी की चांस रहती है, जानवर भी आता है, इसको लेकर मांग कर। बाउंड्री के लिए सर, हमारा जो बाउंड्री बहुत पुराना छोटा हाइट है जहाँ बच्चों आसानी से इसको पार कर लेता है, तो इसमें क्या होता है कि विद्यालय के शिक्षण कार्य में बहुत अवरुद्ध हमको बहुत सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि पंचायत स्तर से हो या प्रखंड स्तर या बिहार शिक्षा परियोजना स्तर से हो, इस बाउंड्री का हाइट ऊंचाई अगर कर दिया जाता तो सुलभ होता हमको, बच्चों को पठन पाठन करने में भी और बच्चों को रखने में सहूलियत होता चारों तरफ बाउंड्री। तो इसमें जानवर भी आने का डर रहता होगा? जी, खुलल है तो क्या होता है कि हम पेड़ पौधा लगाते हैं, फूल लगाते हैं तरह तरह का, वो बच नहीं पाता है, जानवर आता है उसको नुकसान कर देता है। कौन स्कूल है ये? प्राथमिक विद्यालय घोषरामा। बच्चे कितने होंगे इसमें लगभग? सर अभी तो आज तक के डेट में 441 बच्चे हैं। तो ये सभी बच्चे खेलते यहीं पर हैं? जी जी, ग्राउंड में खेलते भी हैं, पढ़ते भी। आप कौन हुए? प्रधान शिक्षक इस विद्यालय के। क्या नाम हुआ? हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में बसा मिर्जापुर पंचायत में आपको बता दें कि मुख्य जो सड़क है घर जाने के लिए, आप लोगों के यहाँ पर सैकड़ों लोगों का घर इसी रास्ते में है, जिस रास्ते में कीचड़ और पानी है। आपको बता दें कि यहाँ कैसे भी महिलाएं खुद को यहाँ पर जाती हैं लेकिन परेशान होकर जाती हैं, छोटे बच्चे यहाँ पर गिरते रहते हैं, लोग ठीक से भी अपना गाड़ी या साइकिल लेकर नहीं चल पाते हैं, कीचड़ और खासकर पानी भरे रहने के कारण, जल जमाव के कारण यहाँ सड़क ऊंचा करने की मांग और ढलाई वाला सड़क बनाने की मांग सरकार से कर रहे हैं लोग। यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का सड़क है, सभी नर्क के तरह मतलब दूषित हो रहा है, विद्यार्थी लोग को आना जाना बंद है, पढ़ना लिखना तबाही के कारण जितने भी 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका स्कूल जाना बंद है, और आप देख ही रहे हैं जो सड़क का क्या हाल है, क्या परेशानी है इसमें। इससे अंदर जितने जाइएगा क्या परेशानी है इसमें? परेशानी यही है जो यहाँ पे भट्ठ होना भर जंग पानी लग जाता है, कादो पानी इकट्ठा हो जाएगा। क्या मांग करते हैं सरकार? सरकार से मांग करते हैं जो सड़क को हाइट किया जाए और अच्छा तरह सुरक्षा होना चाहिए। ढलाई वाला सड़क? जी। क्या सड़क चाहिए? ढलाई सड़क चाहिए। क्या नाम हुआ? सुशील कुमार। पंचायत बसा मिर्जापुर, गांव वार्ड हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। मिर्जापुर पंचायत में आपको बता दें कि मुफ्त जो शिविर लगाया गया है, इसमें जो बुजुर्ग महिला हैं और जो आसपास के लोग हैं उनको यहां पर मुफ्त में दवा और शिविर जांच किया गया है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं, खासकर ये मिर्जापुर पंचायत का जो पंचायत सरकार भवन है वहां पर ये जांच किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ये जो बुजुर्ग महिला हैं उनको मुफ्त में जो दवा मिला है, तो इन्होंने जो लोग हैं उनको धन्यवाद दे रहे हैं। यहाँ पर कैंप लगाया गया है। कहाँ से आये चलिए? डिघरा से। ये तो की पता चलल छले जे मुफ्त में इलाज होय छै? हमरा नै बाबा बुझियाबे। दवाई देला तो पैसा नै न लेला, फ्री में देला, इलाजो भेल? इलाजो करलिए? कथि इलाज करलिए? एक सेकंड रुक जाओ। इलाज कथि करलिए? गोर का करल के नै एहो अर का पैर हाथ के इलाज करलिए? तब फ्री में केलक हन? निक लागल कि नै? निक लागल बाबा, आहार का दुआ सकानी खेबे, बूढ़ सुती है कानी खेबे तब ना। की नाम भेल अहाँके? हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के अनंतपुर सौरा पंचायत में विभिन्न जगहों पर जल जमाव की समस्या को लेकर पंचायत समिति प्रतिनिधि जो है रंजीत पासवान, उन्होंने मांग किया है प्रखंड विकास पदाधिकारी निवेदिता कुमारी से और पंचायत राज पदाधिकारी अमित कुमार से कि कैसे भी जो जल जमाव है उसको लेकर सोचा जाए, उसको लेकर जहाँ जहाँ मिट्टी भराई का काम है या पत्थर डालने का काम है वो करवा दिया जाए। स्थानीय लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी दिक्कत हो रहा है, गांव के लोग परेशान हैं, तो जल जमाव की स्थिति को लेकर यहाँ पर मांग किया है सरकार। जहाँ जहाँ वीडियो मैम बोले हैं जो जहाँ जहाँ गड्ढा है, रोड टूटा हुआ, उसका मिट्टीकरण करके रोड के सही करने के लिए इजाज़त मिला है सर। नहीं, कौन से पंचायत से आए थे आप? सहारा पंचायत। सहारा पंचायत, सहारा आनंद। क्या समस्या है वहाँ पे? वहाँ पर पूरा जल जमाव पूरा, जहाँ तहाँ रोड पर पानी लगता है वहाँ। तो क्या कर दिया जाएगा जो आपको ठीक हो जाएगा? वहाँ रोड़ा पत्थर दे करके एकदम सही करना पड़ेगा। मांग किए हैं? जी जी, कहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत पासवान। कौन है आप? हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट।
हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में आपको बता दें कि हायाघाट प्रखंड के हार जो इनमात है, इनमात गांव में आज गर्भवती महिलाओं का चेकअप किया गया है और खासकर छोटे बच्चों का इंजेक्शन भी दिया गया है। कुछ ऐसे बीमारी हैं जिनसे बचाने के लिए इन छोटे बच्चों को इंजेक्शन दिया गया है, दवा दिया गया है। ANM जो है यहाँ मौजूद हैं, आंगनबाड़ी सेविका मौजूद हैं, आशा कार्यकर्ता मौजूद हैं और इनमात गाँव में यह चेकअप किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं का वजन चेक किया जा रहा है, उन्हें दवा दिया जा रहा है जिससे कि वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी गर्भवती महिलाओं को जागरूक भी किया जा रहा है। ANM ने क्या कहा, क्या क्या दे रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चा को टीकाकरण हो रहा है और गर्भवती महिला को भी यहाँ पे टीकाकरण दे रहे हैं। उसका लंबाई, वजन, हाइट इस सब का कर रहे हैं और गर्भवती महिला के लिए आयरन, कैल्शियम का टेबलेट दे रहे हैं। गर्भवती महिला के लिए कितना आई है अभी तक? अभी तक 3 गर्भवती महिला आई है। तो उनका क्या मतलब वजन भी चेक किए हैं? हाँ। कितने माह की अभी हैं जो जिसका चेकअप किया जा रहा है? वो तो जब प्रेगनेंट होती है ना महिला, तो प्रेगनेंसी के बाद 9 महीना तक 4 बार जांच होती है। अभी क्या क्या जांच किए हैं? अभी तो गर्भवती महिला आई है, उनका पहले तो उनका पूरा हिस्ट्री पूछे हैं, उसके बाद हिस्ट्री लेने के बाद उनका कार्ड फिलअप किए हैं, कार्ड भरने के बाद उनका वजन लिए हैं, उनका हाइट लिए हैं, उनका BP लिए हैं, उनका हीमोग्लोबिन जाँच किए हैं। क्या नाम हुआ? बीना कुमारी। आप हैं ANM? जी। और ये केंद्र नंबर कितना है? केंद्र संख्या 33। गाँव हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के महिला औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान में आपको बता दें कि महाकैंप लगने वाला है, जिसमें बताया जा रहा है कि ITI पास आउट और एग्जाम दिए हुए अभ्यर्थी के साथ साथ ITI पास, NCVT उम्मीदवार उक्त कैंपस में भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिसमें 10वीं पास, 12वीं पास साथ साथ ITI उत्तीर्ण महिला पुरुष अभ्यर्थी बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा है कि खासकर इस बार जो आया है वो टाटा मोटर्स, सानंद गुजरात तथा महिंद्रा ग्रुप। क्या क्या कार्यक्रम है 21 तारीख को? अप्रेंटिसशिप के लिए कैंपस सेलेक्शन कर रहे हैं, जिसमें कोस्ट अलायंस के द्वारा, जिनके साथ हमारा MOU है, वो बहुत सारे कंपनी के साथ लैगनिंग करके कैंपस सेलेक्शन कर, नामी निगरानी कंपनी है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, इस तरह से उनका प्लेसमेंट बच्चों का ये अप्रेंटिसशिप के रूप में गुजरात में, महाराष्ट्र में, नोएडा ले जाएंगे, कर्नाटक ले जाएंगे। तो ये ट्रेड क्या रहेगा, मतलब जो ट्रेड? बहुत सारे ट्रेड हैं, मैकेनिकल ग्रुप का है, फिटर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, इलेक्ट्रिकल ग्रुप का है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या प्रक्रिया है सर? यहाँ पर बच्चों को बायोडाटा जमा करते हैं, उनका एक शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। बायोडाटा में क्या, उनका पूरा नाम, एड्रेस और कितना क्वालिफिकेशन है, वो सब लिखा? सब कुछ अपना सब डिटेल डालते हैं और उसके बाद उसके आधार पर फिर एक नॉमिनल टेस्ट लेते हैं, जिसे शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग बच्चे का एक इंटरव्यू टाइप का करते हैं और उनका काउंसलिंग कार्यक्रम। तो रिजल्ट यहीं दे देते हैं या फिर? यहीं दे देते हैं। आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं यहीं पर बता देंगे? हाँ। क्या टाइमिंग रखे हैं सर? कुछ लड़कों को उसमें वेटिंग भी रखा जाता है कि यदि जिनको सेलेक्ट किए वो उसमें से कुछ बच्चे यदि नहीं गए तो फिर स्टैंड बाय बच्चों को फिर बुलाए। टाइमिंग क्या है सर परसों? टाइमिंग 9 बजे बच्चों को बुलाए हैं, 10 बजे से शुरू होगा। कितने बजे तक? 2-3 बजे तक। कहाँ पर? ITI दरभंगा के कैंपस। महिला? नहीं, महिला नहीं, जनरल ITI। क्या नाम है आपका? राजकुमार। बहादुरपुर से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। पतोर OP क्षेत्र के आपको बता दें कि जो पुलिस कर्मी थे उनकी आज विदाई समारोह की गई है और केवटी थाना क्षेत्र में उनका घर है और यहां पर सेवानिवृत्त होने के बाद प्रशिक्षु DSP यहां पर आशीष राज पहुंचे हैं उन्हें विदाई देने के लिए। पतोर OP के पुलिस अवर निरीक्षक राम शुगारत पासवान ने सेवानिवृत्त होने पर DSP आशीष राज के नेतृत्व में OP प्रांगण में विदाई समारोह आयोजित हुआ है। यहाँ पर सभी पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जितेंद्र चौधरी हूँ यहाँ पर, शिवनाथ झा जो यहाँ पर स्वागत सम्मान के लिए पहुँचे हैं यहाँ देख सकते हैं, बाकी सभी लोग, मुकेश पासवान। विदाई समारोह था आज अवर निरीक्षक पतोर OP के सर राम शुगारत पासवान जी का आज विदाई समारोह था, जिसमें दरभंगा के नव प्रशिक्षु DSP सर आशीष राज उनके विदाई समारोह में आए हैं और उनके अध्यक्ष पतोर OP के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सर के सर जी के अध्यक्षता में की गई है, उसमें हम भी भाग लिए हैं। नाम से मेरा शिवनाथ झा हुआ, नर्सिंग कॉलेज भी है मेरा अपना और इसमें बढ़ चढ़ के बहुत सारे लोग लिए हैं। इनका जो योगदान रहा हम लोग के लिए बहुत ही यादगार रहा। कहाँ जा रहे हैं ये? ये केवटी के हैं, केवटी का फिर घर आज से केवटी थाना जा रहे हैं, केवटी घर जा रहे हैं? केवटी घर हुआ है। घर हुआ हाँ।
मतलब इनका सेवानिवृत्त हो गए क्या? सेवानिवृत्त। हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के आनंदपुर में प्रशिक्षु DSP आशीष राज ने आज अस्पताल का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इसमें लैब भी खोला गया है। इस लैब में विभिन्न तरह के जांच की जो अब सुविधा है वो ग्रामीण क्षेत्र में हो पाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में सुविधा होने से यहाँ के स्थानीय लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इस बीच आपको बता दें कि स्थानीय जो लोग हैं वो मौजूद हैं और इस लैब में खासकर जो ब्लड कैंप है, ब्लड बैंक है, वो भी यहाँ पे एक CBC लैब का जो है स्थापना किए हैं, जो हमारा है जो सही डायग्नोस हो, पहले सही जाँच हो। उसमें क्या क्या होगा? उसमें आपको CBC होगा, KFT LFT होमोग्लोबिन से रिलेटेड जो भी टेस्ट होगा, KFT LFT शुगर, कोलेस्ट्रोल, जो भी आपको माइनर में आ जाते हैं। मेजर टेस्ट अभी हम आपको जो है ऑथराइज किए हुए हैं अदर लैब को, जैसे डॉक्टर लाल पैथ या जो भी हैं। थायराइड वगैरह का भी हम नहीं स्टार्ट किए हैं। थायराइड एक आ जाता है, मतलब एयर कैसे जाता है, 5 पार्ट है जो इसमें जो हमारा WBC का जो होगा। हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट के नर्सिंग होम में, खासकर आपको बता दें नर्सिंग के विद्यार्थियों ने आज यहां पर रक्तदान शिविर लगाया है। रक्तदान शिविर में लगभग आपको बता दें कि 50 के करीब जो यूनिट है वो दिया गया है। इसमें सभी नर्सिंग छात्राएं और खासकर मौजूद हैं। यहां पर इन सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया है। रक्तदान शिविर में उन्होंने, खासकर छात्राओं ने, सभी लोगों को जागरूक किया है कि रक्तदान महादान होता है, सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए। इस क्षेत्र में आपको बता दें कि रक्तदान करके लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। समय पर लोगों को रक्त मिलता नहीं है, लोग परेशान होते हैं, बाहर से खरीदना पड़ता है, ऐसे में रक्तदान जरूर करना चाहिए सभी लोगों को। बताइए क्या किए हैं आज? रक्तदान किए हैं। हाँ। तो किस अवसर पर किया रक्तदान? इंडिपेंडेंस डे। कैसा लग रहा है रक्तदान करके? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। डरते भी हैं ऐसा? बहुत सारे जैसे ग्रामीण क्षेत्र में डर लगता है कि रक्तदान करेंगे तो ये हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्या ये सब भी सोचते हैं? नहीं, ये सब कुछ नहीं। क्या कहेंगे लोगों को? हम लोगों को कहेंगे रक्तदान करना चाहिए। हाँ। और मत सबका सहयोग करना चाहिए, इसमें जो करते हैं उनको सहयोग देना चाहिए। कितने लोगों ने किया है लगभग रक्तदान? 40-50 लोगों ने। अच्छा, अभी तक। क्या नाम है आपका? हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में आपको बता दें कि मधुश्रावणी पूजा के फुल्लोरी के लिए, खासकर भरे बरसात में नवविवाहिता जो हैं खासकर फुल्लोरी के लिए पहुंची हैं। और इस बीच आपको बता दें कि मंदिर प्रांगण में ये ज्योरा जो है खासकर काफ़ी खूबसूरत ज्योरा लग रहा है। खासकर दूर दूर से जो नवविवाहिता हैं वो यहाँ पहुँच रही हैं और लोकगीत का जो वर्णन हम आपको बताते रहते हैं, आज लोकगीत सुनाते हैं, खासकर जो महादेव और पार्वती का लोकगीत है वो कैसे। बहादुरपुर से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में विधायक रामचंद्र प्रसाद उनके सभी कार्यकर्ताओं ने आज तिरंगा यात्रा निकाला। या तिरंगा यात्रा हरलपट्टी गांव के जनेश्वरनाथ महादेव मंदिर, मंझुलिया पंचायत के जनेश्वरनाथ महादेव मंदिर से लेकर हायाघाट बाजार अकराहा होते हुए, हायाघाट होते हुए जखड़ा गांव होते हुए, हथौड़ी होते हुए और बहेरी से लहरिया सराय मुख्य सड़क होते हुए विभिन्न गांव को छूते हुए यह तिरंगा यात्रा भारत माता की जय का नारा लगाते हुए यह तिरंगा यात्रा निकला है। और
देखने वालों की तांता लगा हुआ था। खासी आपको बता दें कि इसमें शामिल हुए हैं यहाँ सैकड़ों लोगों को आप देख सकते हैं जो तिरंगा यात्रा लेकर निकल रहे हैं, और भाजपा विधायक रामचंद्र प्रसाद, उनके साथ मंडल अध्यक्ष नवीन चौधरी, पारसनाथ चौधरी, ये सभी लोग त्रिलोकनाथ राय हों या फिर राजेश चौधरी हों, सभी लोग ऐसे लोग जो हैं सैकड़ों लोग यहाँ पर तिरंगा यात्रा में आज शामिल हुए हैं। पट्टी महादेव मंदिर से लेकर के और हाया घाट होते हुए बांटी हथौरी मुन भुआ होते हुए पघारी होते हुए शंकर लोहार होते हुए और बिठोली चौक बिठोली में जा करके उसका मध्यान्ह करने के बाद जैसे पुनः जैसे महादेव मंदिर पर जाकर खत्म हो गया। किस अवसर पर किया गया है? क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर है कहाँ किया गया? किसके द्वारा किया गया है? भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, उसमें हायाघाट के विधायक भी शामिल थे। क्या नाम है आपका? त्रिलोकनाथ राय। हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के बिशनपुर थाना क्षेत्र के गोरियारी पंचायत में एक युवक की सब जो है खासकर फंदे से लटकती हुई मिली है। आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। आसपास के लोग अचंभित हो गए हैं। इस युवक को देखने के लिए उसके घर में चारों तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई है। आपको बता दें कि बिशनपुर थाना के जो पुलिसकर्मी हैं मौके पर पहुंचकर तहकीकात कर रहे हैं, और ये स्थिति देख सकते हैं जहाँ पर लोगों की भीड़ है, छोटे लोग खासकर जो लोग हैं यहाँ पर इस गाँव में आ रहे हैं, और ये स्थिति घटना जो है कल खुनमा जो है सुबह अपना माई को और बहन को वही पोल के नदी जादव का टीला है वहाँ पर छोटियाया उठाया, और उसका बाद छोटियाने के बाद जो है से मतलब वहाँ से जो है से उसका माई जो है से कन्हैया भाग गई और वहाँ पर फोन कर दिया वो अपना पुतोह के कि सामान सब ला जा न तो इस अंकल बता हाँ बेच ले तू हाँ, तो समझीनी को फोन भी कर दिया कि सामान सब ला जा, वो जो है कोई नहीं था कोई नहीं था घर में घर सटा के फांसी लगा लिया, तो उसको पता नहीं लगा तो ये बतिया जो है से खिड़की के लाभ से मार के जो है से खोला है ना, उसका माई कोई नहीं था ना। और कहाँ का घटना है? ये घटना घर में हुआ है। कौन गांव है ये? बघला कमलपुर। थाना बिशनपुर। क्या नाम था लड़का का? श्याम पासवान। क्या करता था ये? पहले काम करता था वो कारपेंटर का, लकड़ी टकड़ी के कारपेंटर का। हाँ अच्छा, कितना महीना पहले शादी हुआ था इसको? 3-4 महीना हुआ है शादी का। नशा वशा भी करता था क्या? कनी मनी करता था नशा। कनी मनी हाँ, माथा कुछ गड़बड़ था उसका। माथा गड़बड़ था। अभी कैसे अवस्था में कैसे है घर में? अवस्था में फांसी लगाया हुआ लग रहा है। लगा हुआ है क्या लग रहा है कि मर्डर हुआ? बहादुरपुर से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में मध्य विद्यालय आनंदपुर की बात करें या फिर मझोलिया की बात करें या फिर सहोरा की बात करें, होरल पट्टी की बात करें, हरी सभी जगहों पर घोसरम्मा की बात करें, विभिन्न जगहों पर आज आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों ने सुबह से ही प्रभात फेरी निकाला है। प्रभात फेरी विभिन्न जगहों पर विभिन्न चौक चौराहा होते हुए देश के आज़ादी में जिन लोगों ने जो बलिदान दिया है, जिन लोगों ने योगदान दिया है, उनका नारा लगाते हुए उनको याद करते हुए इन बच्चों ने आज स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया है। देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। यह दृश्य आनंदपुर चौक का है जहाँ का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। विशेष कवरेज देख रहे हैं आप, इंटरव्यू भी सुनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये बच्चे कितने जोशीले होकर यहाँ पर आज स्वतंत्रता दिवस को झंडा के साथ मनाते हैं। हाथ सुबह सुबह निकाली गई है आनंदपुर चौक जगजीत की विशेष रिपोर्ट।